लाइट चली गई थी यार, इंटरनेट चला गया इस चक्कर में। आवाज आ रही है? हेलो, दूसरे वाले अकाउंट से मैंने ही लॉग इन कर रखा है ना, स्पैम नहीं है वो, मैंने लॉग इन किया हुआ है। वो लास्ट वाला स्लाइड तो चला गया, तो अब मैं बोल देता हूं ना, लास्ट में हम लोग क्या लिख रहे सेल्फ एनर्जी को एक्सटर्नल एजेंट के जो टर्म में था वो बोल देता हूं ना। तो उसमें देखो ये था कि इट इज, नोट सेव नहीं होता यार, वो चला जाता है, रिकॉर्डिंग तो सेव हो जाती है। चलो नोट करो, मैं बोल रहा हूं उसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या थी। इट इज वर्क डन, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली ब्रिंगिंग, इन स्लोली ब्रिंगिंग ऑल द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी एंड प्लेसिंग देम ओवर बॉडी। है, क्लियर है ना? कल टेस्ट नहीं है ना, सबको बोला हुआ है ना, इस वीक में टेस्ट छोड़ दिया था, अगले संडे को रखेंगे और एडवांस पैटर्न पे। तो आप, हम लोग देखो नेक्स्ट देखने जा रहे थे सेल्फ एनर्जी ऑफ अ हॉलो स्फीयर। हाँ आर्यन, बस ये पोटेंशियल एनर्जी है, बट वो कोई बॉडी की है इसलिए उसको हम सेल्फ एनर्जी बोल देते हैं, है वही पोटेंशियल एनर्जी। कई बार पूछा भी जाएगा तो सेल्फ ना बोल के पोटेंशियल एनर्जी ही बोल देंगे, पूछने क्वेश्चन में भी कई बार लिख के आ जाएगा ऐसे कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हॉलो स्फीयर, तो मतलब वही होगा सेल्फ एनर्जी। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर। तो सपोज हमने एक हॉलो स्फीयर लिया हुआ है जिसका रेडियस आर है और इसके सरफेस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अब ये जो क्यू चार्ज है ये हम ऐसे मानेंगे कि एक बार में नहीं आया, हम ऐसे मानेंगे कि डी क्यू चार्ज ला करके हम सरफेस पे फैलाते जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ा वो निकालना है, ठीक है, समझो। तो कोई भी बॉडी की देखो सेल्फ एनर्जी निकालने का तरीका क्या होगा, कोई भी बॉडी है उसकी अगर हमें सेल्फ एनर्जी निकालनी होगी, अब इस पूरी बॉडी को अगर हमें क्यू चार्ज तक चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको डी क्यू चार्ज लेके आएंगे, पहले इन्फिनिटी से इस पे रखेंगे। मान लो टोटल कैपिटल क्यू तक चार्ज लाना है, टोटल मुझे कैपिटल क्यू तक चार्ज लाना है, तो पहले मैं मानूंगा कि डी क्यू चार्ज मैं ला रहा हूँ इन्फिनिटी से। पहला डी क्यू लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से कोई चार्ज नहीं है ना, फिर जब अगला डी क्यू लाऊंगा तो पहला वाला डी क्यू रिपेल करेगा तो वर्क करना पड़ेगा। फिर दो डी क्यू आ गए, तीसरा डी क्यू लाऊंगा तो पहले के दो डी क्यू रिपेल करेंगे, तो ऐसे हर एक नेक्स्ट डी क्यू लाने में और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारे वर्क को ही हम लोग तो ऐसे करके हमें जितना टोटल वर्क करना पड़ेगा वो ऐड करना है। तो हमने मान लिया कि कोई टाइम पर स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है और उस टाइम पर हम एक डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, नहीं स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है, अब स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है तो इस बॉडी का कुछ पोटेंशियल हो चुका है, अब हम डी क्यू चार्ज यहाँ पे लेके आएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, पहले से जो पोटेंशियल हो चुका है वो इंटू डी क्यू। कोई भी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से गिवेन पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, क्यू इंटू वी ना। तो हमने जिस पॉइंट पे ला के रख रहे हैं वहां का वी पहले से देख लिया,
और डी क्यू मल्टीप्लाई किया और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यही पूरा वर्क आ जाएगा, क्यू की वैल्यू जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेट करेंगे। तो यही सेम काम हम यहाँ पे हॉलो स्पीयर के लिए लगाएंगे। हम ये मानेंगे कि टोटल अगर हमें हॉलो स्पीयर पे क्यू चार्ज लाना है, कैपिटल क्यू, तो पहला डी क्यू लाए सरफेस पे फैला दिया तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, फिर अगला डी क्यू जब लेके आए तो वर्क करना पड़ा, फिर उससे अगले में वर्क करना पड़ा, तो और ऐसे करते करते मान लो इस पे कुछ स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है, ना इस पे हमारा कुछ स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है, स्मॉल क्यू चार्ज आने के बाद इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना हो चुका है, के क्यू बाय आर, ना सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल ये होगा। फिर अगर हम एक डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से ला करके इसके सरफेस पे फैला देते हैं तो अब कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, पहले से जो पोटेंशियल है इंटू डी क्यू, वी की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय आर इंटू डी क्यू और इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से कैपिटल क्यू तक, तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल जो वर्क आएगा उसी को हम बोलेंगे वो उसकी सेल्फ एनर्जी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में टू आर। तो एक हॉलो स्पीयर की सेल्फ एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। सबको समझ आया क्या हुआ है? इनिशियली स्पीयर पे कोई चार्ज नहीं था, फिर एक डी क्यू लेके आए उसको रखा, फिर अगला डी क्यू लेके आए, ऐसे चल रहा है ना। प्रथमेश तू क्या पूछना चाह रहा है, अनम्यूट करके पूछो। यार तो फिर कैसे हो पाएगा, मुझे क्या पता तू यार स्पैम कर रहा है या सच में डाउट पूछ रहा है। ये डाउट से तो ऐसे ही समझ आ रहा है। इन्फिनिटी पे कैसे रिपल्सन होगा भाई, इन्फिनिटी पे चार्ज सब मानोगे बहुत दूर दूर है, उसका मत रिपल्सन का टेंशन ले। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब हमें सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर देखना है। सॉलिड स्फीयर में मास को हम लोग सॉरी चार्ज को यूनिफॉर्मली अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। अब केवल सरफेस पे चार्ज नहीं है, टोटल क्यू चार्ज है, रेडियस कुछ इसका आर है। अब यहाँ पे चार्ज को केवल सरफेस पे नहीं रखना है ना सर। हाँ हाँ, मेरा डाउट एक्चुअली ये था कि अभी आप डी क्यू चार्जेस जो है इन्फिनिटी से ला रहे हो अभी। हाँ हाँ, तो इन्फिनिटी से लाने के वक्त अगर कुछ चार्जेस अभी बॉडी पे है और कुछ चार्जेस लाने हैं तो उन दोनों के मतलब तो लाने हैं, वो जो लाने हैं वो आप मान लो कि वो अभी यही नहीं है, वो सब इन्फिनिटी पे बहुत दूर दूर है, उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो बॉडी पे आ गए हैं बस उनका इफेक्ट आएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। शांतनु सेल्फ एनर्जी लिखा होगा या पोटेंशियल एनर्जी लिखा होगा, बाकी तू टेंशन नहीं ले क्वेश्चन का, अभी पढ़ ले पहले।
तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारा जो चार्ज है यहाँ पे सरफेस पे नहीं है ना, अंदर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस बार हमें अब चार्ज को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते जाना होगा। तो हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि मान लो शुरू में कुछ भी नहीं था, स्पीयर भी नहीं था, चार्ज भी नहीं था, अब हम एक डीएम मास लेके आ रहे हैं डीक्यू चार्ज के साथ, उसको सेंटर पे रखा, फिर अगला डीक्यू लेके आए उसको उसके ऊपर फैला दिया ना, मास के साथ चार्ज लेके आ रहे हैं, फिर उससे अगला उसके ऊपर फैला दिया, ऐसे डीक्यू डीक्यू लेके आ रहे हैं और वो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, तो लगातार रेडियस भी बड़ा होता जा रहा है और मास भी ऐड होता जा रहा है। पिछली बार हमने मास नहीं बस चार्ज लाते थे ना, चार्ज किसी तरह से लेके आते थे और वहां पे देते थे, मतलब एक तरह से डीक्यू चार्जिंग करते थे। अब कैसे चार्जिंग करते थे उतना मत टेंशन लो, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि डीएम डीएम मास ला रहे हो, यही सरफेस पे बना फैलाते जा रहे हैं, तो डीएम डीएम मास था सरफेस पे, था थिकनेस नेग्लिजिबल है, डीएम मास है डीक्यू चार्ज है। यहाँ पे क्या है, डीएम मास लाते हैं डीक्यू चार्ज पे, फिर अगला डीएम उसके ऊपर रखते हैं, उससे अगला डीएम उसके ऊपर रखते हैं, ऐसे चल रहा है ना, चार्ज जो होगा मास के साथ होता है ना, तो उसके हिसाब से ला रहे हैं ना, चार्ज जो है मास के साथ रहेगा तो डीक्यू ला रहे हैं और उसके ऊपर फैलाते जा रहे हैं, तो रेडियस भी बड़ा होता जा रहा है। तो कोई टाइम पे मान लो ऐसे करते करते स्मॉल आर रेडियस तक का स्पीयर बन गया है और इस पे कुछ स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है, चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, चार्ज की डेंसिटी वही सेम रखनी होगी जो पहले होगी, जो यहाँ डेंसिटी है वही यहाँ होगी ना। तो अब अगर एक क्यू चार्ज आ चुका है, आर रेडियस हो चुका है, और उस टाइम पे अगर हम एक डी क्यू चार्ज लेके आएंगे और इसके सरफेस पे फैला देंगे और वो कुछ डी आर रेडियस और इंक्रीज हो जाएगा, आर से डी आर रेडियस और बढ़ जाएगा, तो इस डी क्यू चार्ज को रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा, जो इसके सरफेस का पोटेंशियल है वो, तो हम यहाँ पे बोलेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू वहां का पोटेंशियल इंटू डी क्यू, और सरफेस का पोटेंशियल कितना बोलेंगे, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रख करके ऐसे ले लेंगे, इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो वही आ जाएगा पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो क्यू भी वैरी कर रहा है और आर भी वैरी कर रहा है, तो या तो आर को क्यू के टर्म में लिखना पड़ेगा या क्यू को आर के टर्म में। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले रिलेशन क्या है, स्मॉल क्यू चार्ज जो आ चुका है वो आप कितना लिखोगे, अगर हमें पूरी बॉडी पे चार्ज पता है तो हम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी तो दोनों जगह सेम है ना, तो अगर यहाँ पे डेंसिटी पता है तो आर रेडियस में कितना चार्ज आ चुका होगा, उतने पार्ट का वॉल्यूम, मतलब 4/3 πr³, तो इसका मतलब हुआ स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू आर बाई आर का क्यू, ठीक है क्लियर है। तो जहां पे स्मॉल आर आ रहा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, नहीं स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, q/q(1/3)R, यही आएगा ना स्मॉल आर की वैल्यू, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू डाल देते हैं, के क्यू स्मॉल आर अगर आ गया कैपिटल क्यू आर बाय आर, क्या लिख दिया यार, q/q(1/3)R, इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके q तक, दोनों चलेगा भाई, दोनों चलेगा कोई भी, या तो q को r के टर्म में लिख लो या r को q के टर्म में लिख लो, कैपिटल q ऊपर आ जाएगा, r नीचे रहेगा, k बाहर आ जाएगा, क्यू के पावर 1/3 है, ऊपर क्यू है तो क्यू के पावर 2/3 बचेगा 0 से क्यू तक। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा के क्यू के पावर 1/3 आर, क्यू के पावर 2/3 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्यू के पावर 1 ऐड करेंगे 5/3 अपॉन में 5/3, लिमिट भी डाल दिया ना,
अब ये क्यू के पावर 5/3 और 1/3 मिलके हो जाएगा क्यू के पावर 6/3 मतलब 2, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। तो आपको ये फैक्टर ध्यान रखना है ना, यहाँ पे देखो ये हॉलो स्पीयर में यहाँ 1/2 का फैक्टर आया था, सॉलिड स्पीयर में 3/5 का फैक्टर आता है। सॉलिड स्पीयर की पोटेंशियल एनर्जी 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर होता है और हॉलो स्पीयर का 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ठीक है, नोट हो गया। देखो हमने दो शेप का निकाल लिया और जनरल तरीका बता दिया कि करना क्या है। नॉर्मली तो और कोई शेप का पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कुछ आए तो आपको तरीका पता है, आप सोच सकते हो। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलें। तो अब देखो हमने देख लिया हॉलो स्पीयर और सॉलिड स्पीयर का सेल्फ एनर्जी। यहाँ पे एक चीज और हम लोग नोट कर लेते हैं, ये जो सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है ये सारी स्टोर कहाँ पे होती है। देखो जैसे ये जो सेल्फ एनर्जी आई सॉलिड स्पीयर की, ये कहाँ पे स्टोर है, ये सारी की सारी जो एनर्जी स्टोर होती है ये जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके वजह से, ये फील्ड में स्टोर होती है, मतलब यहाँ स्पेस में स्टोर हो गई है ना। यहाँ पे ये सारा का सारा एनर्जी स्पेस में स्टोर है, जहां जहां तक फील्ड पहुंच रहा है, जहां पे जितना ज्यादा फील्ड होगा उतनी ज्यादा वहां पे एनर्जी स्टोर होती है। तो हॉलो स्पीयर में जैसे देखोगे तो अंदर फील्ड नहीं है, तो अंदर कोई एनर्जी नहीं है, सारी की सारी एनर्जी बाहर स्टोर है फ्री स्पेस में। यहाँ पर सॉलिड स्पीयर में देखोगे तो अंदर भी है बाहर भी है, तो दोनों जगह स्टोर रहेगी। तो हम लोग देखो यहाँ पे ये निकाल भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अगर स्टोर है तो उसको अगर हम यूज करके निकालें तो उससे भी हम निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर है। देखो तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज विल बी स्टोर्ड इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां पे वो एनर्जी स्टोर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर हम सोचे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे कितनी एनर्जी स्टोर है। तो अगर इस पॉइंट पे मैं एक छोटा सा डीवी वॉल्यूम ले लूं और वहां पे मान लो डीयू एनर्जी स्टोर है, तो डीयू एनर्जी अपॉन में डीवी, इसको मैं बोलूंगा ये इस पॉइंट की एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ना। एक
पॉइंट पे एक छोटा सा डीवी वॉल्यूम लिया, तो उस डीवी वॉल्यूम में कुछ डी यू इनर्जी आई, तो डी यू बाई डी वी को इनर्जी डेंसिटी बोलेंगे ना, इसको हम लोग ई डॉट डी लिखेंगे। तो ये देखो जो इनर्जी डेंसिटी होता है इसकी वैल्यू क्या आती है, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कुछ ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आएगा यहाँ पे हाफ उस मीडियम का जो भी एप्साइलन है इनटू ई स्क्वायर। तो अगर फ्री स्पेस है तो यहाँ पे हम एप्साइलन नॉट यूज कर लेंगे ना, हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो इससे भी हम निकाल सकते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी स्टोर है, सेल्फ एनर्जी क्या है। और ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग आगे कैपेसिटर चैप्टर के टाइम पे देखेंगे, अभी आप बस फॉर्मूला याद रखो ना सर। हाँ अगर सपोज टू पॉइंट चार्जेस है और कोई एक पॉइंट, तो अगर मैंने एक पॉइंट चार्ज को आप रख दिया तो दोनों रिपेल हो गए ना, तो उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या आप कि मतलब वो इंटेंसिटी कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है वहां पे? समझा नहीं तू क्या पूछा, फिर से पूछो। मतलब अभी दो, एक पॉइंट एक प्लस है और दूसरा भी प्लस ही है। हाँ। तो अगर मैंने उसको एक कोई भी पॉइंट पे रखा तो पहले उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा ना, पर फिर वो रिपेल हो जाएगी, तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी टाइम के साथ। हाँ। तो क्या काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी कम हो रही है? हाँ वैसे ही समझ लो, वैसे ही समझ लो। हाँ मतलब इंटेंसिटी कैसे स्टोर हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी में, इंटेंसिटी समझो ना एक बार। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट आती है तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनर्जी है। मतलब तो अपने साथ एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है मतलब वो एनर्जी आ रही है, तो जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब वहां वहां पे एनर्जी फैल गई है। ओके सर समझे। तो अब देखो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का यूज करके अगर एनर्जी निकालें, मान लो हमें सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर निकालना है, और हम लोग अब ऐसे सोचेंगे कि कहाँ कहाँ पे ई है वहां वहां पे हम एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, और सारी एनर्जी डेंसिटी को ऐड करके पूरी एनर्जी निकालेंगे, तो क्या उतनी आ रही है जो हमने पीछे निकाला हुआ है? यहाँ पे E जो लिखा है ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ एनर्जी कितना स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम ये लिखा हुआ है। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी पॉइंट पे हम एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे हमें फील्ड देखना पड़ता है। तो मान लो हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, इसके वजह से हम यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कितनी एनर्जी स्टोर है वो सब ऐड करते हैं, तो वो क्या उतनी आती है जितनी हमने पीछे सेल्फ एनर्जी निकाली हुई है। तो आप देखो कैसे सोचोगे, हमें पता है कि अंदर के साइड में तो ई है ही नहीं है, तो अंदर तो कोई एनर्जी स्टोर है ही नहीं है, केवल बाहर ही सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, मान लो अगर हम r डिस्टेंस पे जाते हैं, अगर हम r डिस्टेंस पे जाते हैं सेंटर से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर ना। तो ये r डिस्टेंस पे हम हर जगह यहाँ पे स्फीयर में ऐसे जाएं तो हर पॉइंट पे E सेम है ना, तो यहाँ के हर पॉइंट पे एनर्जी स्टोर्ड सेम आएगी,
क्योंकि हर जगह r डिस्टेंस पे e की वैल्यू सेम है। अब r से r dr थिकनेस ले लें तो e में कोई चेंज नहीं आएगा ना, dr थिकनेस के लिए तो मान सकते हैं कि e लगभग सेम है। तो ये dr थिकनेस के वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है हम वो निकाल सकते हैं। ये जो dr थिकनेस हमने लिया r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का, यहाँ पे हमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पता है, तो अगर हम इतने पार्ट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमें इतने पार्ट में एनर्जी स्टोर्ड पता चल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हमने एनर्जी डेंसिटी लिखी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और उतने पार्ट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया 4πr² dr ना, ये हमने इतने पार्ट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया तो इतनी यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर थी वो आ गई। अब यही काम हमें पूरे स्पेस के लिए कर लेना है, सरफेस से स्टार्ट करना है, कैपिटल आर से स्टार्ट करना है, इन्फिनिटी तक जाना है, तो ये पूरा ऐड करेंगे तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगी। ये कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी पता है तो मैं एक छोटा सा डीवी वॉल्यूम लूंगा, उसमें एनर्जी निकालूंगा और पूरा इंटीग्रेट कर लूंगा। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, 1/2 ये हो जाएगा 2πε₀ बाहर चला जाएगा, e की वैल्यू डाल देंगे तो के क्यू अपॉन में r² का² × r² dr, वैल्यू एक बार चेक कर लूं सब सही है ना, 2πε₀ बाहर गया है, आर स्क्वायर अंदर बचा है, ई स्क्वायर था तो इसलिए ई लिख के उसको स्क्वायर किया। अब देखो इसमें बाहर आ जाएगा 2πε₀, के बाहर आ गया, क्यू स्क्वायर बाहर आ गया, और यहाँ आ जाएगा आर के पावर 4 है, ऊपर आर स्क्वायर है तो नीचे आर स्क्वायर बचेगा dr। और मुझे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, कैपिटल आर सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक, जहां पे एनर्जी स्टोर है वहां पे इंटीग्रेट करना है। के का मतलब देखो 2πε₀ का मतलब क्या है, 1/2 के, तो k स्क्वायर होगा ना, क्या k स्क्वायर होगा ना वो, अच्छा हाँ k स्क्वायर, और हमें पता है कि 1/4πε₀ k होता है, तो 2πε₀ क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये समझो ना, इसकी वैल्यू लिख देंगे 1/2 के, सबको क्लियर है ना, तो ये रब कर दे रहा हूँ, जगह कम है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 के × k² q² 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r, लिमिट डाल दूंगा r से इन्फिनिटी तक, तो ये कितना आ जाएगा k q² / 2, लिमिट में माइनस साइन है तो ये आगे यहाँ माइनस है, तो पहले लोअर लिमिट डाल देता हूँ फिर अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा k q² / 2r। तो हमने देखो स्पेस की सारी एनर्जी स्टोर कर ऐड करके देखा तो वही आया ना जो अपन ने पीछे देखा था कि बॉडी को बनाने में एनर्जी लगी है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि स्पेस में जाके सारी एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है, सबको समझ आया ना क्या क्या हुआ है? हाँ सर, सेम टाइप से अगर हम जरूरत हमें चाहे तो सॉलिड स्फीयर का भी हम निकाल सकते हैं। आदित्य देख इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये जहां पे ई है ये एनर्जी स्टोर कहाँ है, सरफेस से ई स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक है, ई अंदर ई जीरो है ना, तो हम यहाँ सरफेस से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक का इंटीग्रेट करेंगे। सरफेस के लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर, और फिर इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी रख देंगे। आदित्य समझ गया लिमिट?
जहां पे एनर्जी है मतलब ई है जहां पे वहीं पे ना ऐड करेंगे। हाँ स्पेस में स्टोर्ड है मतलब चार्ज के अराउंड जो स्पेस है उस स्पेस में फील्ड स्टोर रहता है। ग्रेविटेशनल एनर्जी हुई वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जो जो भी मास के अराउंड स्पेस है उसमें स्टोर रहता है ना, जो भी ये फील्ड वाली एनर्जी होती है वो सब फील्ड में स्टोर होती है। सरवेस ग्रेविटेशन में भी आप ऐसे ही लिख सकते हो ना, वहां पे बस माइनस हो जाएगी, सेम फॉर्मूला। ग्रेविटेशन में यहाँ पे कैपिटल जी आ जाएगा, यहाँ मास आ जाएगा, आगे माइनस हो जाएगा बस ना। हॉलो स्पीयर के लिए माइनस जी एम स्क्वायर बाई टू आर, और सॉलिड के लिए माइनस थ्री बाई फाइव जी एम स्क्वायर बाई आर। सर वहां पे जरूरत नहीं थी ना पर इसकी? जरूरत ऐसा कुछ नहीं है, मतलब करना रहता है या तो यहाँ कर लो या वहां कर लो, एक जगह डिराइव कर लेते हैं फिर वैसे ही दोनों में लिख देंगे। उधर कम ही पूछा जाता है सेल्फ एनर्जी, मतलब नहीं पूछा जाता, यही आता है मेनली तो, बट दोनों सेम ही टाइप है करने को तो पूछ ही सकते हैं ऐसे। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं एक प्रॉब्लम करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लो हमने एक सॉलिड स्पीयर लिया जिसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज है क्यू और रेडियस है आर। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे टोटल स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, टोटल जो स्टोर्ड एनर्जी है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर है। तो हमें बताना है कि इसमें स्फीयर के बाहर कितनी स्टोर है एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी है और बाहर भी है, और अंदर कितनी स्टोर है। हमें अंदर और बाहर का सम पता है, ये जो दोनों का सम है वो है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो इसमें से कितनी एनर्जी बाहर है कितनी अंदर है, सुजल क्या बोलना चाह रहा है? जहां अट्रैक्टिव फोर्स होगा वहां पे माइनस साइन आ जाता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स के टाइम पे रोकना पड़ता है ना, फिर फोर्स लगा के लाना नहीं पड़ता है। मास वाले केस में इसलिए नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो भी माइनस क्यू का स्क्वायर करेगा प्लस में आएगा। चार्ज में सेल्फ एनर्जी हमेशा प्लस में होती है ना, क्योंकि नेगेटिव भी रिपेल ही करेंगे, लेकिन मास अट्रैक्ट करता है तो उनका माइनस हो जाता है। हमेशा ध्यान रखो जहां भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगे वहां की पोटेंशियल एनर्जी माइनस आएगी, रिपल्सिव फोर्स में पॉजिटिव आएगी। सर हाँ आर तो वही होगा ना, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर। हाँ हाँ देखो अब आपको ये पता है कि यहाँ पे अगर क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज के वजह से जो बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो हॉलो स्पीयर का क्यू होता है या सॉलिड स्पीयर का क्यू, बाहर के स्पेस के हर पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही लिखोगे ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ई सेम है तो इंटीग्रेट करोगे तो बाहर एनर्जी भी स्टोर्ड सेम आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बाहर के साइड में एनर्जी स्टोर्ड है वो आएगी के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। अब बाहर की एनर्जी स्टोर्ड पता चल गई तो आप अंदर की निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल पता है आपको, 3/5 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप चाहे तो इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो ना, अंदर किसी पॉइंट पे आपको r डिस्टेंस पे e लिखना पता है, dr थिकनेस में लिखो और इंटीग्रेट कर लो सेंटर से कैपिटल r तक, मतलब 0 से कैपिटल r तक, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/10 k q स्क्वायर अपॉन में r ना, इतनी एनर्जी यहाँ पे अंदर स्टोर है ना। कई बार हमसे ऐसे पूछा जाता है अंदर कितनी स्टोर है बाहर कितनी स्टोर है, तो हम ऐसे सोचेंगे।
शांतनु देख, जो बाहर की एनर्जी है वो ई पे डिपेंड करेगा ना, अब हॉलो स्पीयर हो या सॉलिड स्पीयर, अगर बॉडी पे क्यू चार्ज है तो बाहर का ई तो सेम है ना, अगर ई सेम है तो ई के वजह से जो एनर्जी स्टोर होगा वो भी सेम होगा। समझा भाई? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब कुछ हम लोग प्रॉब्लम करेंगे यहां पर, तो सपोज एक हॉलो स्पीयर है जिसपे क्यू चार्ज है और इसका रेडियस आर है कैपिटल आर, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने एक क्यू चार्ज रख दिया पॉइंट चार्ज। तो अब पूछा जाए कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। एक हॉलो स्पीयर है, एक पॉइंट चार्ज है, सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, मतलब पूरा सिस्टम बनाने में कितना वर्क करना पड़ा। पूरे सिस्टम का ना, मतलब पूरे सिस्टम को बनाने का एनर्जी बताना है, यू ऑफ सिस्टम चाहिए, सिस्टम में स्पीयर और पॉइंट चार्ज है। सर वो एक की सेल्फ एनर्जी और दूसरा का के क्यू क्यू अपन आर। हाँ ना, हम देखो जब भी ऐसा होगा तो पहले एक बॉडी बना लेंगे, फिर वो बनने के बाद दूसरी बॉडी लेके आएंगे और देखेंगे टोटल कितना वर्क करना पड़ा। तो हम सबसे पहले यू ऑफ सिस्टम निकालना है, तो सबसे पहले मान लो हॉलो स्पीयर का लिखते हैं, तो हॉलो स्पीयर बनाने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ी, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर। अब वो बना लिया है, उसको रखा है, अब एक स्मॉल क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, तो स्मॉल क्यू को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्यू इंटू वी, वी मतलब के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। तो ये जो दोनों का सम होगा यही यहाँ पे सिस्टम की टोटल एनर्जी है। हाँ सर्वेस वही कर रहा हूं भाई, तुम टेंशन नहीं लो, जो पढ़ाया जा रहा उस पर फोकस करो। अगर मान लो दो स्पीयर ले लिए हमने, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2, एक पे Q1 चार्ज है और एक पे Q2, दोनों मान लो सॉलिड स्पीयर है, तो अब पूरे सिस्टम का हमें U बताना है। सब दोनों का इंडिविजुअल और फिर वो K1, K, Q1, Q1. देखो पहले किसी को भी लेके आओ, उससे एनर्जी चेंज नहीं होती ना, तो हमेशा पहले उसको लेके आओ जिसके लिए सोचना आसान है। आप ऐसे सोचो, अगर दो Q1 Q2 का पेयर बना रहे हो तो पहले Q1 लाए या Q2 लाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेम चीज वैलिड है हर एक जगह पर, बट आपको हमेशा सोचना ऐसे है, हाँ सोचना ऐसे है कि जो इजी पड़े। हाँ राज क्या बोल रहे थे? पर वो पहले दोनों का इंडिविजुअल और फिर वो उनका इंटरेक्शन ना, पहले हाँ। दोनों का सेल्फ फिर उनका इंटरेक्शन। हाँ। तो यहाँ यू ऑफ सिस्टम मतलब दोनों को अलग अलग बनाने में कितना लगा वो, फिर पास में रखने में कितना लगा, पास में रखने में कितना लगा मतलब पेयर वाली एनर्जी इंटरेक्शन एनर्जी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 के क्यू वन स्क्वायर अपॉन में आर वन प्लस 3/5 के
q2 स्क्वायर अपॉन में r2 प्लस k q1 q2 अपॉन में r। आदित्य दोनों एक साथ बने या एक पहले बना एक बाद में बना, इन सबसे फर्क नहीं पड़ता ना। अगर कोई चार्ज का सिस्टम है तो उसको बनाने में इतनी एनर्जी लगी होगी, अगर एक साथ बनाया तो एक साथ लगेगी, पार्ट पार्ट में बनाया तो पार्ट पार्ट में लगेगी, बट टोटल इतनी लगेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? हाँ, स्टेट फंक्शन टाइप ही समझ लो, यहाँ पे सब स्टेट फंक्शन है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, मान लो हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है और उसके सेंटर पे हमने एक क्यू चार्ज रख दिया, मान लो Q1 चार्ज, और हॉलो स्फीयर के सरफेस पे Q2 चार्ज है और इसका रेडियस कुछ आ रहा है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? अंदर भी एक एक चार्ज, हाँ एक पॉइंट चार्ज अंदर है सेंटर पे और ये एक हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस पे Q2 चार्ज है। यहाँ सिस्टम में पॉइंट चार्ज और हॉलो स्फीयर का कॉम्बिनेशन है। आदित्य हॉलो स्फीयर के अंदर नहीं होती, हॉलो स्फीयर के खुद के चार्ज के वजह से, खुद के चार्ज के वजह से अंदर फील्ड नहीं होता ना, लेकिन कोई और चार्ज आया तो उसके वजह से तो हो सकता है ना फील्ड अंदर। सर हाँ, वो स्फीयर के पहले सेल्फ एनर्जी और फिर वो Q1 Q2 इसका ऐड कर देगा स्फीयर का। हाँ, और वही K Q1 Q2 by R square। हाँ, इंटरेक्शन प्लस सेल्फ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे सोचोगे, मान लो सबसे पहले नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में बेटर ये होता है कि आप सबसे जो अंदर चार्ज है उसको पहले लेके आओ, फिर उसके बाहर जो है उसको उसके बाद लेके आओ, ऐसे सोचना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले मैं Q1 को लेके आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है तो सेंटर पे रखने पे कोई वर्क करना पड़ेगा? पहले कुछ भी नहीं था तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, फिर जब Q1 रख दिया और अब Q2 वाला स्फीयर बना रहा हूं, जब Q2 वाला स्फीयर बना रहा हूं तो DQ2 लेके आ रहा हूं, तो यहाँ पे किस किस वजह से वर्क करना पड़ेगा? एक तो ये जो इसके सरफेस पे चार्ज आता जा रहा है उसके वजह से, प्लस जो यहाँ पे चार्ज है उसके वजह से यहाँ जो DQ2 ला रहा हूँ वो वर्क करना पड़ेगा। तो मतलब इन दोनों का एक तो इंटरेक्शन एनर्जी और प्लस इसका DQ जो लाया था उनका जो रिपल्सन था सेल्फ एनर्जी, अब इनका इंटरेक्शन कितना बोलूंगा, इस Q1 चार्ज की वजह से जो Q2 चार्ज ला के रखा है वहां पे पोटेंशियल कितना हो रखा है, यहाँ पे कहीं पे भी DQ2 लाया होगा तो हर बार Q1 के वजह से पोटेंशियल कितना रहोगा, K Q1 by R, तो वो सब एड होकर के कितना आएगा, K Q1 by R पोटेंशियल है और वहां पे Q2 चार्ज लाया हूं तो इतना वर्क करना पड़ा इंटरेक्शन का, और सेल्फ का कितना रहा होगा, वो हॉलो स्फीयर बना है तो K Q2 square upon R। सबको समझ आया क्या हुआ है? अगर मैं मान लो उल्टा सोचता, पहले हॉलो स्फीयर बनाता फिर Q1 चार्ज लेके आता तो कैसे लिखता, पहले अगर मैंने हॉलो स्फीयर बनाया तो हॉलो स्फीयर बनाने में कितना वर्क करना पड़ा, K Q2 square upon 2R। अब हॉलो स्फीयर बन गया है, फिर मैं Q1 चार्ज को बाहर से ला रहा हूँ स्लोली और अंदर सेंटर पे पहुंचा रहा हूँ, तो अब मुझे कहां तक वर्क करना पड़ेगा Q1 को लेके आने में, फील्ड तो बाहर ही होगी ना, अंदर जाते ही Q2 की वजह से अंदर कोई फील्ड है ना, अंदर कोई फील्ड नहीं है, तो एक मिनट रुकना है ना, मेरा इसका बैटरी लो हो गया, चार्जिंग को लगाना।
तो अब देखो यहाँ पे हमें सरफेस तक लाने में ही वर्क करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल सरफेस का, कितना है के क्यू टू बाई आर पोटेंशियल इंटू क्यू वन चार्ज को लेके आए हैं, तो वही सेम चीज आ जाएगा ना, सेम चीज वो आ गया है। तो आप किसी को भी पहले लेके आओ किसी को भी बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो आपके ऊपर है कि कौन सा इजी पड़ता है। तो नॉर्मली इजी कौन सा पड़ता है, जब अंदर से स्टार्ट करो। यहाँ पे तो ये सेकेंड मेथड थोड़ा इजी लगा होगा आपको, लेकिन जब कई सारे कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स होते हैं तो उसमें हमेशा अंदर से स्टार्ट करना होता है ना। आदित्य अभी टेंशन नहीं लेने का, ये नोट करो, मैं अभी क्वेश्चन दूंगा ना, आप बस करते जाओ नोट। अभी ये वाला प्रॉब्लम क्लियर है ना, वो क्लियर करो, डाउट्स नहीं सोचो अभी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, अब सपोज हमने दो कॉन्सेंट्रिक ऐसे स्पीयर ले लिए, एक का रेडियस आर वन है, एक का आर टू, और एक पे Q1 चार्ज है। अभी तक देखो निगेटिव चार्ज नहीं लेके आया था ना, इस बार निगेटिव भी चार्ज कर देता हूं। माइनस Q2 चार्ज है, दोनों कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्पीयर है ना, ये दोनों ही हॉलो स्पीयर है। तो आप पूरे सिस्टम का हमें यू बताना है। बाहर वाले का सेल्फ रह गया तेरा राज, वो नीचे टू है सर। अच्छा हाँ हाँ सॉरी सर, हाँ राज जो बोल रहा है वही आ जाएगा। वेरी गुड प्रथमेश, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई ने भी टाइप किया सेम बोल दो। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यू ऑफ सिस्टम जो हम लोग निकालेंगे, तो पहले अंदर वाले का सेल्फ एनर्जी सबसे अंदर से स्टार्ट करेंगे ना, पहले इसको बनाएंगे, तो वो सेल्फ
फिर जब इसको बना रहे होंगे तो इसके वजह से इंटरेक्शन भी आएगा और खुद का सेल्फ एनर्जी भी आएगा ना। तो अब दूसरे वाले का सेल्फ और पहले दूसरे का इंटरेक्शन, पहले वाले का सेल्फ एनर्जी कितना आ जाएगा, के क्यू वन स्क्वायर बाई टू आर वन। दूसरे वाले का सेल्फ लिखेंगे तो के माइनस क्यू टू है तो भी वो सेल्फ हमेशा प्लस में आएगा ना, क्योंकि रिपल्सन ही होगा बनाने में, टू आर टू। अब इंटरेक्शन में क्या होगा, इसके वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है वो वी इंटू ये पूरे का चार्ज, क्यू इंटू वी लगाएंगे ना, तो क्यू की वैल्यू माइनस क्यू टू है और वी की वैल्यू कितनी है, के क्यू वन अपॉन में आर टू। जहां पे आर टू रखा है वहां पे पोटेंशियल निकालेंगे अंदर वाले की वजह से ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही पूरा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा कि क्या हो रहा होगा यहां पर। अगर मान लो यहाँ पे मैं सॉलिड दे दूंगा, अगर मान लो ये स्पीयर सॉलिड होता तो उससे क्या चेंज आ जाता, बस इसका सेल्फ एनर्जी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता ना। सॉलिड हो या हॉलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा स्पीयर है उसके हिसाब से सेल्फ लिख दो। ठीक है, अब कोई भी सिस्टम की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। अबे सुजल नींद से कब जगेगा, सॉलिड के अंदर सॉलिड कैसे बनाएगा भाई। सुजल बेचारा एकदम मासूम बच्चा है, खोजते सोचते कुछ भी सोच जाता है। तो वो तो एक हॉलो और सॉलिड का कॉम्बिनेशन टाइप बना सकते हैं ना, कि अंदर से हॉलो है उसमें सॉलिड है। सॉलिड के अंदर हॉलो कैसे, देखो अब मैंने सब समझा दिया है, खुद से ट्राई करो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिले तो बताओ, हम लोग करेंगे सॉल्व। तरीका सबको पता है, कर सकते हो आप। ज्यादा कोई डाउट रहे तो ई लिखना पता है आपको हर जगह, और इंटीग्रेट कर लेना। तो हम लोगों ने अब देखो देख लिया। हाँ, अब एक प्रॉब्लम देता हूं जिसपे कुछ प्राइज भी रहेगा, जिसका पेमेंट पेटीएम से किया जाएगा अगर कोई कर लेता है तो। ये मान लो हमारे पास दो चार्ज्ड स्पीयर हैं, एक पे Q1 चार्ज है और एक पे Q2 चार्ज है, रेडियस R2 है। इनके वजह से स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इस Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो हमें बताना है स्पेस में किसी भी पॉइंट पे अगर हम E1 डॉट E2 निकालें और उसको dv वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करें ऑल ओवर स्पेस। ये जो सॉल्व करना है फॉर ऑल ओवर स्पेस करना है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, E1 डॉट E2 इंटू dv, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो क्या लगता है कितना प्राइस रखना चाहिए, डेढ़ सौ तो ज्यादा हो जाएगा, पचास रुपए बहुत है मेरे हिसाब से। और जो पहले करेगा उसको ही मिलेगा, एक को ही मिलेगा, ज्यादा लोगों को नहीं, जो पहले आंसर देगा उसको मिलेगा। क्वेश्चन देखो क्या है कि दो हॉलो स्पीयर ऐसे रखे हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ स्मॉल आर है, तो इनके वजह से स्पेस में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पे एक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ईवन आएगा, दूसरे के वजह से ई टू। ईवन ई टू क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में किसी पॉइंट पे,
दोनों स्पीयर के वजह से, E1 फर्स्ट स्पीयर के वजह से, E2 सेकंड स्पीयर के वजह से। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, E1 डॉट E2 इनटू DV। DV क्या है? वॉल्यूम है ना, DV वॉल्यूम है। तो पूरे वॉल्यूम मतलब पूरे स्पेस में E1 डॉट E2 इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कल तक का टाइम दिया जा रहा है, अगली क्लास तक का, तब तक बताना है। हाँ सर, बेस्ट। हाँ सर। जो भी व्हाट्सएप पे पहले भेज देगा मैं उसको मिल जाएगा। डीवी मतलब जैसे इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो यहां पर अपने एक छोटा सा डीवी वॉल्यूम ले लिया ना, एक स्पेस में कोई पॉइंट लिया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, E1 E2 दोनों का है, और वहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम लिया डीवी, और इन सब का फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे हो सब पॉइंट के लिए। डिस्टेंस R1, R2 और स्मॉल r दिया है, बस इतना ही है। अभी करना चाहोगे तुम लोग? टाइम लगेगा यार सोचने में, इतनी जल्दी हो पाएगा? लास्ट ईयर वाले बच्चों ने तो लास्ट ईयर तुरंत कर दिया था क्लास में ही। कर ही लो तुम लोग भी, 5 मिनट टाइम देता हूँ। लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम हो गया था 5 मिनट में क्लास में, बट लास्ट ईयर ऑफलाइन था, इस बार ऑनलाइन है, तो इसलिए यार उतना मजा नहीं आएगा ऐसे। करो 2 मिनट का टाइम, 2-3 मिनट में करते हैं फिर डिस्कस। मैं 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ ना, मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक ट्राई कर लो आप।
हुआ क्या, ये भागेश पाटिल ये स्पैम वाला है लग रहा है, अनम्यूट करके बोल भागेश क्या बोलना चाह रहा है। यार बहुत टाइम वेस्ट होगा क्लास का, अब या तो अभी हो गया है बताओ कर दूं, नहीं तो फिर अगली क्लास तक देखते हैं। बाकी लोग बोलो टाइम चाहिए तो ले लो, बट अब क्लास का टाइम मत वेस्ट करो, डिस्कस मत करो वो, ठीक है फिर अगली क्लास में करेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये क्या है सर्वेश, ये क्या होता है? गॉस लॉ। गॉस लॉ तो सुना ही नहीं यार। अगर कहीं पर भी दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के, दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के अगर हम ऐसे लेते हैं तो उस कॉम्बिनेशन और उनको कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को ही हम लोग, इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। दो यहाँ पे क्या है, ये मान लो कोई डिस्टेंस पे रखे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड, नहीं भाई गलत है आंसर, इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सम, प्लेस डेट डिस्टेंस लिखते हैं, कोई थोड़ा और डिस्टेंस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्लेस डेट डिस्टेंस।
यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में कंडीशन क्या है कि जो दो चार्ज लोगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के ही होने चाहिए ना, और डिस्टेंस पे रखे हुए हैं अगर, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर हम लोग यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग पी लेटर से दिखाएंगे, डाइपोल मोमेंट को। ये देखो क्या होता है, जैसे कोई भी हमने सिस्टम लिया, डाइपोल लिया, और इसको अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये रोटेट करना चाहता है ना। अगर मान लो अभी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहता हो तो रुका रहेगा, लेकिन अगर आपको ने ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो वो क्या होगा, करेगा Q into E, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे Q into E इधर लगेगा, तो वो इसको ऐसे घुमा देगा। तो हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने का कुछ टेंडेंसी होगा। तो ये जो टेंडेंसी है वो कितना है, वो डिपेंड करता है चार्ज यहाँ पे कितना लिया हुआ है और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, समझो ना। तो इस चीज को मेजर करने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्यू पे डिपेंड करता है ना। अगर मान लो एक पे चार्ज माइनस क्यू है, एक पे प्लस क्यू, तो क्यू पे डिपेंड करेगा और उनके बीच की डिस्टेंस पे, तो उनके क्यू इंटू डी, ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफाइन किया गया है, जहां डी क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये आप समझो ना, जितना चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ये फोर्स कपल बन रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो उतना ज्यादा रोटेट होना चाहेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोगों ने वो कितना रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है उसको मेजर करने के लिए, हाँ वो डी या आर सेम चीज है, दो बार लिख दिया मैंने, आर ले लो या डी ले लो, एक ही चीज है। डी या आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज है वो। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हमें क्या लगता है, क्या पता चलता है, ये एक आइडिया लगता है कि उसमें कितना ज्यादा रोटेट करने की टेंडेंसी है। आइडेंटिकल सिचुएशन में, मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम एंगल पे अगर हम दो डाइपोल रखें, तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा रोटेट करना चाहेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट गिव्स आइडिया अबाउट टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, ये टॉर्क जैसा है, रोटेट हो रहा है तो टॉर्क लगा होगा, कितना रोटेट करने की टेंडेंसी है वो ऐसे हमने डिफाइन किया है। थोड़ा मैं और समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में दो डाइपोल हमने रखा, उनके बीच की डिस्टेंस सेम है, लेकिन एक पे मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है और एक पे प्लस टू क्यू, एक पे माइनस टू क्यू चार्ज है, तो कौन सा ज्यादा रोटेट करेगा? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मुझे समझा लेने दो, फिर नोट करना। अगर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरा वाला ज्यादा करेगा, मतलब चार्ज ज्यादा है तो रोटेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। फिर एक में मैंने क्या किया, सेम एंगल पे रखना है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक में मैंने क्यू सेम रखा, डिस्टेंस बढ़ा दी, ये आर वन ये आर टू, सेम चार्ज रखा, अब इसमें कौन सा ज्यादा रोटेट करना चाहेगा? दोनों में सेम चार्ज है लेकिन बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो जब ऐसे टॉर्क लगेगा, फोर्स का कपल बनेगा ना, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई,
और बीच में डिस्टेंस इसमें ज्यादा आएगी। कपल का टॉर्क कैसे निकालते हैं, दो पैरेलल फोर्स जब रहते हैं तो वहां कपल बनता है ना, तो कोई एक फोर्स और उनके बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पे आएगा। मतलब रोटेट करने की टेंडेंसी कैसे डिसाइड हो रही है, चार्ज कितना है उससे और बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। तो दोनों को कंबाइन करते हुए अब हम केवल बोल देंगे जिसका पी ज्यादा होगा वो ज्यादा रोटेट करना चाहेगा। अब हम अलग अलग क्यू नहीं सोचेंगे, अलग अलग डी नहीं सोचेंगे। हाँ वो तो है ही है, एंगल पे डिपेंड करेगा। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि दो डायपोल आइडेंटिकल सिचुएशन में रखें तो किसमें ज्यादा रोटेट करने की टेंडेंसी है। दो डायपोल आइडेंटिकल सिचुएशन में रखें तो इसलिए हमने डायपोल मोमेंट टर्म डिफाइन किया। मोमेंट मतलब रोटेशन से रिलेटेड है ना, मोमेंट मतलब रोटेशन। तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा रोटेट करना चाहेगा। अब आपको क्यू और डी अलग अलग नहीं सोचना है, बस पी देख लेना है। सर्वेश पेशेंस रख भाई, धीमे धीमे मेरे को समझाने दे। पहले जितना लिखाया ये सब नोट कर लो। अभी कोई डाउट नहीं देखा जाएगा, जितना लिखा है वो नोट करो। जितना मैंने समझा दिया है उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई और क्वेश्चन नहीं बनाओ और चुपचाप नोट करो। पहले मुझे पढ़ाने दो पूरा, पूरा होने के बाद खुद ही सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहां पर जैसे हमने इसको रखा तो ये रोटेट ऐसे करेगा, अगर मैं ये माइनस क्यू इधर कर दूं प्लस क्यू इधर कर दूं तो रोटेट करने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मैं प्लस क्यू माइनस क्यू को इंटरचेंज करूं तो डायरेक्शन रोटेशन का चेंज हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट पी पे डिपेंड कर रहा है रोटेशन, और साथ में डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है कि किधर प्लस क्यू है किधर माइनस क्यू है। तो अगर हमें केवल यहाँ पे यही नहीं देखना है कि कितना रोटेट करेगा, ये भी सोचना है कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, पी का क्या डायरेक्शन है, प्लस क्यू किधर है माइनस क्यू किधर है। तो इसलिए हमने पी को एक वेक्टर फॉर्म में डिफाइन किया, पी को हमने ऐसे डिफाइन किया। एक मिनट, तो अब देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं। अगर मान लो हमने एक माइनस क्यू चार्ज लिया एक प्लस क्यू चार्ज लिया और इनके बीच की डिस्टेंस को कुछ हम लोग आर बोल रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट क्या हो रहा होगा, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका डायरेक्शन जो होगा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया और यूनिट वेक्टर आर कैप लगा दिया। आर कैप किधर है, फ्रॉम
नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन के साथ अगर हमने दो डाइपोल रखे हुए हैं, डायरेक्शन हमें पता है तो पी से समझ आएगा, मैग्नीट्यूड से समझ आएगा कि वो किस में ज्यादा रोटेट करने की टेंडेंसी है। दो डायपोल है पी वन पी टू, तो अगर पी टू ज्यादा है तो रोटेट करने की टेंडेंसी पी टू की ज्यादा होगी, और उसका डायरेक्शन देख के समझ आएगा कि वो किधर को रोटेट करना चाहेगा। तो इसीलिए इसको वेक्टर में डिफाइन किया गया है। तो हम डायपोल को बोलते हैं, ये कैसे डिफाइन है, पीछे देखो हमने देखा था कि उससे क्या पता चलता है डायपोल मूवमेंट से, और डायपोल मूवमेंट डिफाइन कैसे है, तो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, सेकेंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट्स डायरेक्शन will be from negative charge to positive charge। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कई बार केवल ऐसे एरो बना के करते हैं। अगर हमने कहीं पे ऐसे एरो बना दिया, वहां पी लिख दिया, तो ये एरो मतलब यहाँ पे डाइपोल की बात चल रही है। टेल पे हम इमेजिन करेंगे नेगेटिव चार्ज है, और हेड पे इमेजिन करेंगे पॉजिटिव चार्ज है। पी उसका मैग्नीट्यूड है डाइपोल मोमेंट का, और रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग एरो से दिखाते हैं। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? डाइपोल को हम लोग एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। टेल जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, और हेड जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। सबको यहां तक क्लियर है? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो यहां पे आप चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, चार्ज को डिस्टेंस से, तो कूलम और मीटर। यहां पे कहां पे डॉट प्रोडक्ट है? देखो ये जो है ये क्यू स्केलर है, आर स्केलर है, दो स्केलर को एक वेक्टर से प्रोडक्ट करेंगे तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है ना, क्रॉस ना डॉट ना, ये क्यू इंटू आर लिखा है, स्केलर का थोड़ी डॉट प्रोडक्ट होता है, क्यू इंटू आर और साथ में आर कैप। अगर मान लो कहीं पे भी नंबर है टू है और आर कैप है, तो बस ऐसे लिखते हैं, कोई ना तो डॉट लगाते हैं ना क्रॉस लगाते हैं। Q और R क्या है? नंबर है ना। अब देखो ये जो कूलम मीटर होता है इसको हम लोग D बाय करके बोलते हैं ना। अब एक बार मुझे ये यूनिट की वैल्यू देखने दो, D बाय जो होगा उसका SI यूनिट से रिलेशन क्या है, मुझे भी याद नहीं है, एक मिनट होल्ड करना।
ये वाला यार अभी मेरे को भी मिल नहीं रहा है, मैं देख के नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये कूलम मीटर को कुछ एक वर्ड में डी बाय बोलते हैं और स्मॉल डी कैपिटल बी से दिखाते हैं। तो ये हाँ, तो वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ ना, ये मेरे को याद दिलाना। अभी तो ये कूलम मीटर ये एसआई यूनिट है ना, इसका एक शॉर्ट में डी बाय भी होता है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब देखो ये जो हमने देखा यहाँ पर डायपोल मोमेंट, इस चीज को हम लोग देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिखते हैं। अच्छा और ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बताया था, सिंबल क्या था, केवल डी था या डी बी था? केवल डी था, ठीक है। तो वन डी बाय मतलब डी इक्वल टू है 3.34 इंटू 10 के पावर माइनस 30 ना, क्योंकि ये नॉर्मली जो चार्ज होते हैं ये बहुत कम होते हैं। ये डायपोल वगैरह हम लोग नॉर्मली मॉलिक्यूल्स वगैरह में यूज करते हैं, जैसे HCl मॉलिक्यूल है तो उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो एक डायपोल है। तो वहां पर अब ये चार्जेस बहुत कम होंगे तो उस जगह पर ये डी बाय लिखना ज्यादा बेटर होता है। एसआई यूनिट में लिखेंगे तो पावर बहुत बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे साथ में। फिर देखो ये जो डायपोल मोमेंट होता है इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है क्यू और एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू। नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर है कुछ आर माइनस और पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर है कुछ आर प्लस। तो हमें यहाँ पे डायपोल मोमेंट पी बताना है वेक्टर फॉर्म में, पी का डायरेक्शन इधर को होगा ना। तो मान लो ये पॉइंट ए है ये बी है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, अगर हम आर वाले निगेटिव आर माइनस पोजीशन वेक्टर में ए बी वेक्टर ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, आर प्लस। तो इसका मतलब ए बी वेक्टर क्या होगा, आर प्लस माइनस आर माइनस। और हमें क्या चाहिए, डायपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो क्यू इंटू इनके बीच की डिस्टेंस ए बी इंटू ए बी कैप, डायरेक्शन के लिए ए बी कैप मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू इंटू ए बी वैक्टर, ए बी इंटू ए बी कैप क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं क्यू इंटू आर प्लस माइनस आर माइनस वैक्टर। तो हमारा जो पोजिशन डायपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्म में निकालने का ये तरीका होगा ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर माइनस निगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, समझो ना, निगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर। बाकी यूज कब करना है तुम लोग को पता ही है, जब भी 3D में होगा तो ये यूज करेंगे हम लोग।
आर स्क्वायर कहां से आ गया तेरा? सर हाँ वो क्वेश्चन समझा दो ना एक बार। हो गया है वो। हेलो क्यों? हेलो हाँ वो हो गया सर वो वाला। सर समझा दो ना। नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर नहीं होगा नीचे। हाँ आर है नीचे। और भी थोड़ा कम है कुछ, उसमें गड़बड़ है और भी कुछ। सर क्वेश्चन तो बता दो। अबे यार क्वेश्चन चार बार बता दिया यार, कैसी बात। सर बता दो एक लास्ट टाइम। देखो ये बोल रहा हूँ कि जैसे दो चार्ज मैंने रख दिए, तो अब स्पेस में कोई भी एक पॉइंट लू, वहां एक छोटा सा डीवी वॉल्यूम लू, तो उस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले स्पीयर की वजह से E1 है, दूसरे वाले की वजह से E2 है, तो उन दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करूं, ये डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ के डीवी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, और ये काम हर एक पॉइंट पे करूं, हर एक पॉइंट पे, और सबको ऐड कर लूं, हर एक पॉइंट का ऐड करूं, मतलब इंटीग्रेशन कर लूं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? हाँ समझा सर। सर मेथड देखो ना एक बार, बोलूं क्या? हाँ, नहीं मेथड मत बोल बाद में बोल, फोन मुझे व्हाट्सएप पे। हाँ सर चलेगा। ठीक है फिर, तो होमवर्क अब नोट कर लो। वेव ऑप्टिक्स नहीं, वेव डालना है पहले, वेव। इसमें होमवर्क में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला हेडिंग का सब हो गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला जो हेडिंग है मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में देखो, एक हेडिंग है ना उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके क्वेश्चन दिए हैं क्या? अबे जल्दी जल्दी बोलो भाई। तो इसमें 45 तक है, 45 तक सारा दे दिया है, तो ये पूरा हेडिंग कंप्लीट कर लेना ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के अंडर में 18 से लेकर के 45 तक सब कर लेना। इसमें देखो कंडक्टर नहीं होगा, लेकिन अगर बाई चांस कहीं पे भी कंडक्टर वर्ड आ जाए या मेटल वर्ड आ जाए तो छोड़ देना ना, कंडक्टर अभी नहीं पढ़ा है। एक्सरसाइज 1 होमवर्क में, एक्सरसाइज 1 का होमवर्क इधर लिख रहा हूं, होमवर्क में एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 45। फिर सेल्फ एनर्जी वाला है क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर के 54। सेल्फ एनर्जी के हेडिंग वाले क्वेश्चन फिर करने हैं। एक्सरसाइज 2 कल संडे, तुम लोग बोर हो गए इसलिए मैं थोड़ा दे ही दे रहा हूं। एक्सरसाइज 2 में 27 से लेकर के 40 और क्वेश्चन नंबर 48 49। ठीक है होमवर्क क्लियर है ना सबको? कल संडे है भाई, तुम लोग बोर हो गए इसलिए थोड़ा दिया है, एंजॉय करो अब तुम लोग। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ। बाय बाय, हैप्पी संडे।